नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव और मगहिया पीला को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसको लेकर तमाम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं और इस मामले को लेकर तमाम कलाकार खेसारी लाल यादव के समर्थन में उतर चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर लाइव आकर खेसारी लाल यादव के बहन बेटी और मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी जिस तरीके से की गई थी, उसको लेकर खेसारी लाल यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक हो चाहे वो ट्विटर हो, हर जगह उन्होंने इस वीडियो को साझा करते हुए बिहार पुलिस से अनुरोध किया था और बिहार सरकार से भी अपील किया था कि इन दरिंदों को जल्द से जल्द इस मामले पर गिरफ्तार किया जाए। लेकिन बिहार पुलिस अभी तक एक्शन मोड में नजर नहीं आई है और ना ही बिहार पुलिस इस मामले को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता जाहिर कर रही है। दरअसल बात करें तो खेसारी लाल यादव बैक टू बैक लगातार 2-3 ट्वीट किए, जिसमें वो बिहार पुलिस को भी घेरते नजर आए और खुद की तुलना सुशांत सिंह राजपूत से करते दिखे थे। हालांकि जैसा कि आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव, जो आरजेडी पार्टी के प्रमुख हैं, आरजेडी पार्टी के विरोधी दल के नेता हैं, उनके ऑफिशियल अकाउंट जो आरजेडी का है, वहां से भी ट्वीट कर खेसारी लाल यादव के समर्थन में बात की गई थी और उन दरिंदों को गिरफ्तार करने की बात की गई थी। लेकिन मामला अभी भी शांत पड़ा है और इस मामले को लेकर जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने कल छपरा में शो किया था, तो अभी बिहार में वो बने हुए हैं और खबर के मुताबिक ये जानकारी आ रही है कि खेसारी लाल यादव जो हैं वो बिहार पुलिस के जो अभी अभी जो डीआईजी हैं, डीजीपी हैं, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहा जाता है, जिनका नाम एसके सिंघल है, उनसे खेसारी लाल यादव आज मुलाकात कर सकते हैं और इन सारे मुद्दों पर वो बात कर सकते हैं। दरअसल बात करें तो एसके सिंघल बिहार पुलिस के वर्तमान डीजीपी हैं और डीजीपी सबसे बड़े रैंक के उस स्टेट्स के अधिकारी होते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि जब खेसारी लाल यादव उनसे सच में मुलाकात करते हैं और अपने मामलों को डीजीपी के सामने रखते हैं तो आगे की क्या प्रक्रिया होती है, ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। बात करें तो जो बिहार के डीजीपी यानी कि एसके सिंघल हैं, उन्होंने 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो ये अपडेट था, मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए। तो अपडेट कैसा लगा जरूर बताइए। धन्यवाद।